जो WWE का डे वन 2022 का शो है वहां पर काफी सारे मैच होंगे, लेकिन एक जो मैच होने वाला है वो होगा WWE चैंपियनशिप का फेटल फोर वे मैच। और मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर कौन जीतेगा, क्या वो सेथ रॉलिंस होंगी, क्या वो केविन ओवेंस होंगी, क्या लैशली एक बार फिर से बनेंगे चैंपियन, या फिर हमारे बिग ई एक बार फिर से अपनी चैंपियनशिप को करने वाले रिटेन। तो इसको लेकर कुछ अपडेटेड बैटिंग ऑर्ड्स आ चुके हैं सामने और उसके बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। रोमन रेंस के नीडल मूवर वाली मर्चेंडाइज को लेकर भी एक बड़ा सीक्रेट आया सामने कि WWE ने ये वाली मर्चेंडाइज की थी रिवील। ट्रिपल एच की इन-रिंग रिटर्न को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है सामने। और फाइनली शार्लट फ्लेयर ने सभी रूमर्स को किया एंड जब उन्होंने अंड्राडे के साथ में अपनी न्यू फोटोज की हैं शेयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे वन एंड ओनली रिकोशे के बारे में। अब रिसेंट स्मैकडाउन के शो के अंदर रिकोशे की क्या कमाल की परफॉर्मेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में आखिर में सैमी ज़ेन ने उन्हें हरा दिया और सैमी ज़ेन बढ़ चुके हैं डे वन की तरफ और वो फेस करेंगे शिंसुके नाकामुरा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन होता है जो रिकोशे के बाद उनका इंटरव्यू होता है जब पूरा स्मैकडाउन खत्म हो जाता है उसकी कुछ फोटोज आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर रिकोशे से पूछा जाता है कि भैया आज आपने स्मैकडाउन के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में आप आखिरी तक नहीं जा पाए। वो कहते हैं देखो मुझे सुन के ही हंसी आती है कि मैंने आज कितने सुपरस्टार्स को हराया। मैंने सैमी ज़ेन से पहले हराया जिंदर महाल को, मैंने हम्बर्टो को हराया, मैंने शेमस को हराया उसी रिंग के अंदर। अब सैमी ज़ेन थोड़ा लकी इसलिए था क्योंकि वो मेरा पहला अपोनेंट नहीं बल्कि मेरा आखिरी अपोनेंट था। उसने आके उस रिकोशे को हराया जो कि ऑलरेडी काफी थक चुका था, जो कि ऑलरेडी पूरी हारने के कगार पे आ चुका था। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं कि सैमी ज़ेन ने आके मुझे किस तरीके से उस रिंग के अंदर हरा दिया। लेकिन एक बार फिर से मैंने स्मैकडाउन के अंदर ये बात प्रूव कर दी कि रिकोशे ग्रेट है और ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू रहने वाली। मैं अपने आप को प्रूव करता रहूंगा जब तक मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। और रिकोशे अपनी स्मैकडाउन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हैं। अब देखो स्मैकडाउन की परफॉर्मेंस से जो रिकोशे की आई थी मुझे देखी ये लग रहा है कि फाइनली जो रिकोशे हैं उन्हें पुश मिलने वाला है WWE के अंदर। फाइनली स्मैकडाउन के अंदर उनका जो WWE अच्छे खासे वे में यूटिलाइज करने वाली है। बाकी देखते हैं रिकोशे को कब मिलती है एक्चुअल में एक टाइटल अपॉर्चुनिटी। वो WWE के अंदर मेन रोस्टर में ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह तो चुके हैं, लेकिन क्या आने वाले टाइम में वो कोई और मेजर चैंपियनशिप को कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं। क्या आप लोग खुश हो कि WWE फाइनली रिकोशे को थोड़ा बहुत मौका दे रही है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन शार्लट फ्लेयर के बारे में। अब जो शार्लट फ्लेयर और अंड्राडे जो कि उनके आप कह सकते हो कि भैया हस्बैंड होने वाले थे, लेकिन फिर पता लगा ब्रेकअप हो रहा है, फलाना फलाना सारी चीजें हुई। लेकिन रिसेंट टाइम में शार्लट फ्लेयर ने सभी रूमर्स को किया एंड क्योंकि उन्होंने क्रिसमस वाले डे पर कुछ फोटो शेयर की हैं उनकी और अंड्राडे के। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे जब वो विश करती है मेरी क्रिसमस और अंड्राडे और अपनी फोटोज पोस्ट करती हुई नजर आती हैं एक साथ। यानी कि फाइनली उन्होंने जो ब्रेकअप वाले रूमर्स थे पूरे तरीके से उन चीजों को एंड कर दिया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब देखो अगर हुआ भी होगा तो मेरे हिसाब से जो मामला पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो गया और इन्हें लगा क्यों ना रूमर्स को गलत ठहरा दिया जाए, इसलिए जो फोटोज हैं दोनों ने एक साथ पोस्ट कर दी। लेकिन आज जो लोग दुख मना रहे थे कि भैया दोनों अलग अलग हो गए अच्छे से अलग ऐसा वैसा जो भी है, अब उनके लिए खुशी वाली बात है और लग ऐसा रहा कि शार्लट फ्लेयर और अंड्राडे दोनों एक साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली शॉन माइकल्स ने भी किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच की इन रिंग रिटर्न को लेकर उनकी हेल्थ को लेकर एक मेजर न्यूज दे डाली है। होता है कि शॉन माइकल का इंटरव्यू होता है, शॉन माइकल बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। वो कहते हैं जो ट्रिपल एच की हेल्थ भी फिलहाल काफी सही है, वो उतना भी ज्यादा बुरी हेल्थ में नहीं है जितना कि हम सभी उम्मीद लगा के चल रहे थे। फिलहाल जो ट्रिपल एच है वो काफी अच्छे वे में रिकवर कर रहा है। और बात रही थी ट्रिपल एच के बारे में, देखो उसने इस कंपनी के अंदर काफी लगातार काम किया, उसने बैक स्टेज के ऊपर काम किया, उसने इन रिंग के अंदर काम किया, उसने मेरे साथ काफी लंबे टाइम तक एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर काम किए। तो मेरे हिसाब से चाहे ये जो ब्रेक है वो अनफॉर्चुनेट वे में आया हो, लेकिन ये जो ब्रेक है वो एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक है ट्रिपल एच के लिए। मेरी तो उम्मीद यही रहेगी जितना मर्जी लंबा टाइम लगे लेकिन जो ट्रिपल एच है वो इस ब्रेक को आराम से इंजॉय करके सही से रिकवर होकर एक बार फिर से वापस आए। अभी फिलहाल मैं कोई एग्जैक्ट डेट टाइम पीरियड तो नहीं बता सकता हूँ कब ट्रिपल एच एक बार फिर से नेक्स्ट के बैक स्टेज के ऊपर वापस आएगा, लेकिन हाँ अभी फिलहाल जो अपनी ब्रेक है वो उसे इंजॉय कर रहा है। और ट्रिपल एच की हेल्थ एकदम सही है, वो उतनी ज्यादा खराब भी नहीं है जितना कि हम सभी उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ये शॉन माइकल की कुछ अच्छी सी न्यूज है हमारे ट्रिपल एच के लिए कि भैया ट्रिपल एच की जो हेल्थ है वो काफी सही वे में रिकवर हो रही है। और ट्रिपल एच की जो हेल्थ है चलो उनके कारण ही सही, लेकिन ट्रिपल एच को एक ब्रेक मिला है WWE की तरफ से पूरे बिजनेस की तरफ से, वरना ट्रिपल एच WWE के साथ में लगातार हमें काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी न्यूज है ट्रिपल एच के सभी फैंस के लिए कि ट्रिपल एच की जो हेल्थ है वो काफी सही है अभी फिलहाल पहले के मुकाबले। अब देखना ये होगा जब भी उनकी वापसी होती है या कभी भी उनकी इन रिंग रिटर्न होगी या फिर नहीं। जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। आज से काफी टाइम पहले रोमन रेंस की न्यू मर्चेंडाइज रिवील होती है जो कि थी नीडल मूवर वाली एंड गेस व्हाट WWE उस चीज को हमें रिवील करते शिकागो के अंदर जो कि CM Punk का होम टाउन है। अब इसे ये बात तो साफ हो गई थी कि WWE ताना मारना चाहती है CM Punk को, लेकिन जो डेव मेल्ट्ज़र है इसको लेकर कुछ हमें एडिशनल डिटेल्स रिवील करते हुए नजर आते हैं कि WWE ने ये वाली मर्चेंडाइज
रिवील की। आपको याद होगा आज से काफी टाइम पहले रोमन और सीएम पंक को लेकर काफी बातें हुई थी इंटरव्यूज के अंदर। सीएम पंक रोमन को ताना मार रहे थे, रोमन सीएम पंक को ताना मार रहे थे। और इनफैक्ट जो अपने रोमन रेंज एक इंटरव्यू के अंदर ये भी कहते हैं कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर कभी भी एक लॉन्ग टर्म नीडल मूवर नहीं थे, वो जॉन सिना और द रॉक के लेवल के नहीं थे। और बताया जा रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू यही दिखाना चाह रही थी सीएम पंक को शिकागो के होम टाउन के अंदर कि तुम एक्चुअल में डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए कुछ भी नहीं थे, तुम एक नीडल मूवर नहीं थे, तुम एक अच्छे परफॉर्मर जरूर थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो बंदा रेटिंग्स गेन कर पाता है सीना और द रॉक के लेवल का, तुम वो इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। ये जो नीडल मूवर वाली मर्चेंडाइज है वो रोमन रेंज के लिए नहीं बल्कि स्पेशली सीएम पंक को टारगेट करने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू लाई थी। और रोमन रेंज का ये जो मर्चेंडाइज पहनना है वो सीधा सीधा एक ताना था सीएम पंक के लिए। और उस इंटरव्यू के रेफरेंस से डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस पूरी मर्चेंडाइज को रिवील किया था, जहां पर रोमन रेंज ने खुद सारी की सारी बातें कही थी। तो भाई ये कुछ चल रहा है फिलहाल डब्ल्यू डब्ल्यू में रोमन रेंज की मर्चेंडाइज को लेकर। अब देखो रोमन की मर्चेंडाइज काफी अच्छी खासी बिकती है, उसकी जो मर्चेंडाइज सेलिंग है काफी अच्छी होती है, इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू को लगा सीएम पंक को ताना भी मिल जाएगा और हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। फायदा भी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो डब्ल्यू डब्ल्यू के डे वन 2022 के शो के बारे में जुड़ी है, जहां पर होने वाला है डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप का फेटल फोर वे मैच, बिग ई वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस केविन ओवंस, अ फेटल फोर वे मैच फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल। अब बड़ा सवाल ये इस मैच के अंदर कौन जीतेगा, क्या सेथ रॉलिंस जीतेंगे, क्या न्यू चैंपियन बनेंगे, क्या लैशली जीतेंगे या फिर केविन ओवंस की होने वाली एक शॉकिंग विक्ट्री। तो इसको लेकर बोवाडा की तरफ से अपडेटेड बेटिंग ऑड्स आए हैं सामने, और अपडेटेड बेटिंग ऑड्स की जो लिस्ट है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि नंबर वन पे स्टिल अभी फिलहाल हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन बिग ई है। अब माइनस के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतने ज्यादा चांस होंगे जीतने के, और प्लस के अंदर जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उतने ज्यादा चांस होंगे जीतने के। बिग ई की जो यहाँ पर बैटिंग ऑड्स की वैल्यू है -150 है। सेकंड नंबर पर आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बैटिंग ऑड्स की उनकी जो वैल्यू है वो है +180। बॉबी लैशली आते हैं नंबर थर्ड के ऊपर, उनकी जो बैटिंग ऑड्स की वैल्यू है वो है +350। और जो केविन ओवंस हैं वो आते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर, क्योंकि उनकी जो बैटिंग ऑड की वैल्यू है वो है +700 यानी कि +700। तो भाई ये कुछ वे में भी फिलहाल जो बैटिंग ऑड्स है वो है अपडेट, जहां पर बिग ई का सबसे ज्यादा चांस तो है लेकिन सेथ रॉलिंस जस्ट पीछे ही खड़े हैं, यानी कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा न्यू चैंपियन इधर है। उसके बाद लैशली आते हैं, और फाइनली आखिरी नंबर पर केविन ओवंस का आता है नाम। अब मेरे हिसाब से यहां पर बैटिंग ऑड्स का ज्यादा कुछ चलेगी नहीं, डे वन नए साल की शुरुआत करने वाला, तो मे बी डब्ल्यू डब्ल्यू एक मेजर सरप्राइज ला भी सकती है। अब केविन ओवंस अगर जीत जाते हैं तो भाई बैटिंग ऑड्स की ऐसी कम तैसी हो जाएगी, सेथ के जीतने के चांस काफी लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लैशली को छोड़ के केविन ओवंस का सबसे ज्यादा चांस है। आई गेस यहां पर जो बैटिंग ऑड्स मेरे अकॉर्डिंग होंगे वो बिग ई होंगे, फिर सेथ रॉलिंस, फिर केविन ओवंस और फिर लैशली। बाकी देखते क्या होते हैं डे वन शो के अंदर, क्या आपके हिसाब से क्या फाइनली केविन ओवंस सरप्राइज कर पाएंगे सभी को, क्या वो न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का ही सबसे ज्यादा चांस है न्यू चैंपियन बनने का डे वन शो के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।